करके देखिए इतना बड़ा, इतना बड़ा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, बड़ा गड्ढा है। लगभग 2 महीने से यह है बनारस मोदी का संसदीय क्षेत्र क्योटो। वाह क्या सीन है, समझ लीजिए यह हाल है, यह है बनारस का क्योटो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कहते हैं सपने देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है, और जो सपने देखता है वह उन्हें पूरा करने की भी कोशिश करता है। ऐसा ही एक सपना था काशी को क्योटो बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह वादा किया था तो काशी के लोगों ने सोचा था कि उनकी प्यारी नगरी को जापान की क्योटो जैसी सुंदरता मिलने वाली है। क्योटो एक ऐसा शहर है जहाँ हरियाली है, सांस्कृतिक धरोहरें हैं और इतिहास की महक है। लेकिन जब सपना हकीकत में बदला तो काशी वालों ने पाया उनकी नगरी क्योटो नहीं बल्कि वेनिस बन चुकी है। वेनिस इटली का एक अद्भुत शहर है जहां सड़कें नहीं केवल नहरें हैं। लोग नावों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। काशी में भी अब कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर मोड़, हर गली और हर सड़क पर पानी से भरे गड्ढे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद नगर निगम ने काशी के लोगों को वेनिस का अनुभव देने के लिए जगह जगह स्विमिंग पूल बनवा दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्विमिंग पूल किसे पसंद नहीं होते। बच्चे पानी में खेलते हैं, बड़े लोग तैराकी का आनंद लेते हैं और हर कोई खुश रहता है। लेकिन यहाँ काशी के लोग शायद इन स्विमिंग पूल्स के लिए तैयार नहीं थे। वीडियो में एक युवक सड़क किनारे खड़े होकर गड्ढे में पानी भरे होने की स्थिति को दर्शा रहा है और पानी इतना गहरा है कि उसमें कोई भी समा सकता है। सुप्रिया सिनेट ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी लच्छेदार बातों के धनी, काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था लेकिन काशी को वेनिस बना दिया। भला यह भी कोई बात हुई, लोग आनंद लेने के बजाय आक्रोश क्यों दिखा रहे हैं? बड़े ना सुकरे लोग हैं ये काशी वाले। काशी के लोग शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वेनिस के रूप में उनका शहर कितना अद्भुत हो गया है। वहाँ की हर गली हर सड़क पानी से भरी हुई है। यह नज़ारा न केवल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि भारत के लोगों को भी इस नए काशी का अनुभव कराने का मौका देगा। आप नाव में बैठकर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं या फिर चाहे तो सड़क किनारे स्विमिंग पूल में तैराकी कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा मौका भला किसे मिलता है, लेकिन काशी के लोग तो इसे एक समस्या मान रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, उनके घरों और दुकानों तक पहुँचना मुश्किल हो गया है। उन्हें यहाँ समझना है कि मोदी जी ने उन्हें एक नया अनुभव दिया है जिसे वे शायद पहले कभी नहीं महसूस कर पाए होंगे। काशी को क्योटो बनना था लेकिन वेनिस बन गया। यह भी एक कमाल की बात है कि काशी अब केवल आध्यात्मिक नगरी ही नहीं बल्कि एक मिनी वेनिस भी है जहाँ आप नावों में बैठकर गंगा का आनंद ले सकते हैं और पानी से भरी सड़कों का रोमांच महसूस कर सकते हैं। तो काशी वालों, अब समय है कि आप अपने इस वेनिस को अपनाएं और इस नए अनुभव का आनंद लें। कौन जानता है, शायद भविष्य में लोग काशी को भारत का वेनिस कहकर ही जाने। फिलहाल दोस्तों, वायरल हो रहे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।